हेलो एवरीवन मैं हूं दीक्षा और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में दीक्षा परफेक्ट प्लेट में तो आज मैं लेके आई हूं आपके लिए राजमा रेसिपी राजमा मसाला की रेसिपी जो बिल्कुल आप रेस्टोरेंट में खाते हैं या बाहर आपने अभी कहीं ठेले वेले पे खाया हो जो एकदम मसालेदार होता है ना बिल्कुल वैसी ही रेसिपी मैं आज लेके आई हूँ तो चलिए फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ सबसे पहले मैंने राजमा को ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से फूल गए हैं यहाँ मैंने लगभग एक कप के करीब राजमा लिया है तो मैंने यहाँ इसका पानी अलग कर दिया है और आप चाहें तो दो चार घंटे गर्म पानी में भी इसको भिगो सकते हैं बट वो थोड़ा सा टाइम लगेगा राजमा को जब आप कुक करेंगे सीटी लगा के तो यहाँ मैंने इसको कुकर में डाल दिया है और इसमें मैं पानी डालूँगी तो मैं लगभग जितना जिस लेवल पर राजमा है उसके आधे इंच ऊपर तक ही पानी डाल रही हूँ ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी और ये देखिए बिल्कुल आधा इंच ऊपर ही है ज़्यादा नहीं है तो आप भी इतना ही पानी डालें और अगर हमें ज़रूरत बाद में पानी की पड़ेगी तो हम गर्म पानी ऐड कर लेंगे इसमें मैं दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ दो लौंग डाल रही हूँ और इसी के साथ मैं इसमें एक तेज़पत्ता डाल रही हूँ और साथ में नमक डाल रही हूँ तो मैंने नमक आधा छोटा चम्मच लिया है इसमें हम कोई सोडा वोडा ऐड नहीं करेंगे अपने आप अच्छे से फूल जाएंगे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे गल जाएंगे तो यहाँ मैंने कुकर का ढक्कन बंद किया और इसको मैं गैस पे रखती हूँ तो इसको मैंने लगभग छः से सात सीटी आने तक कुक किया था मतलब आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे कर दीजिए और छः से से सात सीटी आने दीजिए यहाँ जब तक हमारे कुकर में सीटी आ रही है राजमा पक रहे हैं तब तक हम मसाला बना लेते हैं तो यहाँ मैंने पैन में ऑयल डाला है एज़ यूजल सरसों का तेल दो बड़े चम्मच के करीब होगा और तेल गर्म होते ही मैंने इसमें जीरा डाला है और हींग डाला है तो हींग ऑप्शनल है बट आ, मैं डालती हूँ ऑलमोस्ट हर चीज़ों में तो मैं डाल रही हूँ आप स्किप भी कर सकते हैं बिल्कुल आपके ऊपर है और जीरा जैसे ही स्पैटर हो जाएगा अच्छे से तो इसमें मैं दो सूखी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ एक बारीक कटा हुआ प्याज एक बड़े साइज़ का प्याज था ये थोड़ा मीडियम नहीं था थोड़ा सा बड़े साइज़ का प्याज था जिसको मैंने बारीक काट लिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करते हुए कुक करूँगी तो हमें प्याज को अच्छा ब्राउन करना है बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ट्रांसलूसेंट नहीं अच्छा ब्राउन करना है बट जलाना भी नहीं है जब उसमें हल्का सा वो ब्राउनिश कलर में आने लगे तब तक हमें उसे कुक करना है और जब तक हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं मैं आपको टमाटर का जो हमें प्यूरे बनाना है उसके बारे में बता देती हूँ तो यहाँ मैंने मिक्सी का जार लिया है और इसमें मैं लगभग एक से डेढ़ इंच के करीब अदरक डाल रही हूँ अदरक थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा दो हरी मिर्च डाल रही हूँ यहाँ मैंने लहसुन लिए हैं छः से पाँच से छः कर वो मैं ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने तीन टमाटर को फाइन रफली डाइस कर लिया है उसको मैं ऐड कर रही हूँ तो यहाँ सॉरी चार टमाटर हैं और अगर आपके टमाटर जो है थोड़े बड़े हैं तो आप तीन भी ऐड कर सकते हैं मैं इसको प्यूरे बना लेती हूँ और यहाँ देखिए हमारी जो प्याज है वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना स्टार्ट हो गई इसमें हल्का गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है तो इसको मैं थोड़ा सा कुक करूँगी तो यहाँ देखिए हमारे जो प्याज है वो इसमें अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है तो बस हमें इतना ही इसे कुक करना है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है वरना हमारी जो ग्रेवी है वो ब्लैक ब्लैक सी हो जाएगी ज़्यादा तो जब ये हल्का मतलब अच्छा हल्का गोल्डन सा कलर आ जाए इसमें तो मैं इसमें जो हमने अपनी टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे तो मैंने यहाँ सारी प्यूरी ऐड कर दी है और इसी के साथ मैं इसमें आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ तो आप ध्यान रखिएगा नमक बस मैं इतना ही ऐड करूँगी आधा मैंने आधा चम्मच के करीब मैंने राजमा में ऐड किया था उसे बॉईल करते वक्त और आधा यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तो इतना इनफ होगा आधे से ज़्यादा ही था यहाँ पे और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से और इन टमाटर को हमें तब तक कुक करना है जब तक इसमें अच्छा ऑयल ना ऊज आउट होने लगे अच्छा सा कलर ना आ जाए तब तक हमें इसे कुक करना है तो मैं यहाँ पे इसे ढक के कुक करूँगी लगभग दो से तीन मिनट हो गए हैं मैं इस ढक्कन हटा रही हूँ ये देखिए पानी धीरे धीरे सूखने लगा है जो टमाटर में था और आ, ड्राई होने लगा है तो हम इस टाइम पे थोड़े से अपने मसाले ऐड करेंगे जो ड्राई मसाले हमें इन टमाटर में प्यूरे में डालना है वो तो यहाँ मैंने लगभग एक से डेढ़ बड़ा चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर लिया है और ये काले मिर्च का पाउडर है छोटा आधा छोटा चम्मच ये एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर लिया है ये तीखी वाली लाल मिर्च ली है आधा छोटा चम्मच और हल्दी लिया है आधा छोटा चम्मच तो आप तीखी वाली लाल मिर्च है वो बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं या कलर जो कश्मीरी लाल मिर्च है उसे भी स्किप कर सकते हैं ये बिल्कुल आपकी चॉइस है तो मैंने यहाँ सारे मसाले अपने टमाटर के पेस्ट में डाल दिया है और इसको हम कुक करेंगे मसालों को बहुत अच्छे से कुक करना है जितने अच्छे से आपके मसाले जो है वो कुक होंगे उतनी ही अच्छी सब्ज़ी या राजमा जो है या आप कोई भी ग्रेवी बना रहे हैं बहुत अच्छी बन के आएगी जब तक आपके मसाले अच्छे से कुक होंगे तो तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुक होने दूंगी तो यहाँ मैं इसे कवर करके कुक करूँगी जब तक इसका ऑयल उज़ उजाओ, आउट ना होने लगे और आप बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे से चिपके नहीं हाँ इसे कुक होते हुए थोड़ा टाइम हो गया है लगभग तीन से चार मिनट तो ये देखिए हमारे जो मसाले हैं वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं टमाटर काफ़ी हद तक टमाटरों का पानी जो है वो सूख चुका है बट अभी भी इसमें ऑयल ऊज़ आउट नहीं हुआ है तो हम इसे थोड़ा सा और कुक करेंगे अभी एक बार मैं इसे चला दे रही हूँ बीच में ये देखिए तो इसको अभी थोड़ा सा मैं और कुक करूँगी कवर करके अभी ऑयल ताकि और अच्छे से ऊज आउट हो सके और हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से फ्लेवरफुल हो जाए खुशबू बहुत अच्छी आ जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे तो यहाँ लगभग मैंने इसे तीन मिनट और कुक किया था तो मैं इसका ढक्कन हटा के पैन का और ये देखिए ऑयल आपको दिख रहा होगा बबल्स तो इसका मतलब हमारे जो मसाले हैं वो काफ़ी अच्छे से कुक हो गए हैं तो ऑयल भी यूज़ आउट होने लगा है ये देखिए साइड्स में आप देख रहे होंगे तो मैं इसको एक बार चला दूँगी तो ये देखिए पैन में भी ऑयल उसके में देख रहे होंगे नीचे जो बेस पे ऑयल आना शुरू हो गया है तो इसका मतलब ये साइन है कि हमारा जो मसाला है वो काफ़ी अच्छे से कुक हुआ है इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और मसाले का कलर भी काफ़ी अच्छा आया है इसका मतलब हमारे राजमा का कलर भी काफ़ी अच्छा आएगा तो हम थोड़ा सा चला के छोड़ दूँगी और यहाँ चलते हैं अपने राजमा के पास तो मैंने इसमें लगभग एक गिलास पानी और डाला था गरम करके और हमारे राजमा भी अच्छे से बॉईल हो गए थे सात आठ सीटी में ही तो जो हमने मसाला रेडी किया है तो मैं उस मसाले को इस राजमा में ऐड कर दूँगी आप चाहें तो राजमा अपने पैन में ही ऐड कर लीजिए बट मैं कुकर में ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर दूँगी ये देखिए कितना सही कलर आया है और मिक्स करने के बाद इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा और ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए मुझे थोड़ा सा राजमा लिक्विड ही पसंद है बहुत ड्राई रहा नहीं पसंद है सूखा थोड़ा ग्रेवी वाला रहता है तो खाने में मज़ा आता है राजमा और इसके बाद ड्राई मसाले ऐड करूँगी जैसे मैंने यहाँ लगभग आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड किया है गरम मसाला मैं इसी टाइम पे ऐड कर रही हूँ और मैंने आपको पहले भी बताया गरम मसाला एंड में ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है और इसी के साथ मैं कटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा लगभग ये एक बड़ा चम्मच के करीब होगा ज़्यादा नहीं आप और भी ऐड कर सकते हैं बिल्कुल आपकी चॉइस है और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी तो यहाँ मैंने कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथ में क्रश करके ऐड किया है ताकि इसका फ़्लेवर और अच्छे से आए और आप चाहें तो इसको तवे पे एक बार रोस्ट करके फिर ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा इनहेंस होता है उसका फ़्लेवर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी ये देखिए और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करी एक छोटा चम्मच बटर बटर से राजमा में फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे आते हैं तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके राजमा के फ्लेवर जो हैं वो कितने इन्स हुए हैं बटर से तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूँगी बंद कर दूँगी देखिए और इसको लगभग एक सीटी आने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे एक सीटी आने तक मैं इसे कुक करूँगी तो यहाँ राजमा में एक सीटी आ गई थी मैंने इसको अपने आप इसका प्रेशर रिलीज होने दिया था ताकि वो सेटल हो सके उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोला ये देखे कितना प्यारा कलर आया है और खुशबू वो तो आप पूछिए मत इतनी बढ़िया आ रही थी तो आप ये राजमा की रेसिपी ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पे तो चलिए इसे सर्व करने की प्रोसेस में चलते हैं तो ये देखिए कितने डिलीशियस लग रहे हैं ना राजमा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं बहुत अच्छे से गले हैं और बहुत ही यमी टैंगी स्पाइसी फ्लेवर इसमें आने वाला है मैं इसको धनिया से गार्निश कर रही हूँ ये देखिए तो आप इस राजमा रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ साथ भी शेयर करना और मुझे बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करिएगा हम फिर एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तक के लिए बाय